Assalamualaikum, welcome to CPAC time. My name is Aru. CPAC time के साथ मैं हूँ यासिर रहमान और मेरे साथ हैं आरूप. और CPAC time की जो पिछली episodes थी, पिछली teachers थी, उसमें हमने आपको extensively Belt and Road Initiative के हवाले से बताया, मुख्तलिफ projects आपको दिखाए चाइना में, इनर मंगोलिया में, ओलनचाप में, दाचिंग में. मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि खुद चाइना के अंदर CPAC का BRI जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंस अख्तियार कर गया है, कितना फोकस है चाइनीज गवर्नमेंट का और उसके साथ साथ जितने भी यूनिट्स हैं वहां पे. इसी तरीके से CPAC के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी हमने आपको साहिवाल भी विजिट करवाया, बताया कि साहिवाल में किस नहीज पे काम हो रहा है और साहिवाल क्या डिलीवर कर रहा है, खासतौर पर कोल पार्क के हवाले से बात करते हैं और कितनी सस्ती होती है और कितनी जल्दी 22 महीनों में इन्होंने मुकम्मल इसको किया है. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब नवंबर में दौरा कर रहे हैं चीन का. उस दौरे से पहले जब से हुकूमत तश्कील हुई है, जब से हुकूमत बनी है, CPAC को लेकर काफी सवालात उठाए जाते रहे हैं. हमने गाये बगाये इसके ऊपर काफी प्रोग्राम भी किए, मिनिस्टर साहब के साथ प्रोग्राम किया ताकि आप तक जो हकायक है वह पहुंचाए जा सके. ताहम इस हवाले से काफी एक सुखम भी मौजूद है कि हम बात कर सके मजीद इसके ऊपर, खला भी मौजूद है क्योंकि जो अदर साइड है, जो प्रोपेगेंडा साइड है, जो फॉल्स स्टोरी साइड है, वो काफी एक्सटेंसिवली काम कर रही है CPAC के ऊपर. बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद हकायक, आज के इस प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि CPAC प्रोजेक्ट इस वक्त किस स्टेज पे है, हमारा अर्ली हार्वेस्ट कहां तक पहुंच चुका है, मिड टर्म कहां पे है और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या प्लान करने जा रहे हैं. तो प्रोग्राम आगाज करते हैं अपने मेहमानों के तारुफ से. आज हमें दावत दी है डॉक्टर ओकाब मलिक साहब को, एनालिस्ट हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हसान दाऊद भट्ट साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CPAC के. भट्ट साहब से हम काफी सवालात करते रहते हैं गाय बगाय, लेकिन जब जरूरत महसूस करते हैं तो सर को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हसान साहब आपने भी हमें वक्त दिया. Yes, sir, I want to ask you the in a November. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वजीर आजम पाकिस्तान नवंबर में चीन का दौरा करेंगे जिसमें वो पहले इम्पोर्ट एक्सपो के मेहमान खुसूसी होंगे. पाकिस्तानी आवाम ये जानना चाहती है कि इससे क्या हुआ. मैंने पब्लिक ऑफ पाकिस्तान दे वांट टू नो व्हाट आर वे हैपेंड इन दिस मीटिंग. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया. और मैं यासिर आपको ये बताता चलूं कि आई हैव बीन फॉलोइंग योर प्रोग्राम और आपके जो चाइना में होने वाली एपिसोड थी वो बड़ी बहुत अच्छी थी और उसके जरिए जो लोग जिन्होंने चाइना का विजिट नहीं किया वो उनके लिए बहुत कुछ था लर्न करने के लिए. स्पेशली आपने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी वहां पर दिखाया, सिमिलरली यहाँ के साहिवाल के प्रोजेक्ट. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि CPAC को और BRI को इन इट्स ट्रू परस्पेक्टिव और साइट से रिपोर्टिंग करने का. आपका जो सवाल है उसका जवाब यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का पहला दौरा है चाइना का एज अ प्राइम मिनिस्टर. और उससे उस विजिट के दौरान बहुत सारी मीटिंग्स चाइनीज लीडरशिप के साथ प्लान की गई हैं. इसके अलावा एक इम्पोर्ट एक्सपो हो रहा है शंघाई में जिसके अंदर वो एज गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट जैसे आपने कहा उसमें वो अटेंड करेंगे. यहां पे ये बता दूं कि वहां पर एक पवेलियन पाकिस्तान का बिल्कुल एडजेसेंट टू चाइनीज पवेलियन बनाया गया है और इसमें इमरान खान साहब और प्रेसिडेंट शी दोनों विजिट करेंगे. तो इससे आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है ना सिर्फ बेल्ट एंड रोड में बल्कि चाइना का जो विजन है इम्पोर्टर्स के लिहाज से. और हमारे जो प्लानिंग है इस विजिट के लिहाज से, पहले तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट बट ऑल्सो अबाउट एक्सपो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ऐसे एक्सपोर्टर्स जाएं जो शोकेस कर सकें पाकिस्तान की कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट और चाइना के अंदर उनकी हम B2B इंगेजमेंट्स और इंटरेक्शन करा सकें ताकि एक लिंकेज डेवलप हो और पाकिस्तान ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है या अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्कोप है उसको वहां पे शोकेस किया जाए और उस मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए. और जहां तक सवाल है प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से है, उनकी मुलाकात प्रीमियर ली केचियांग से है. इसके अलावा एक इशाइये में वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भी अटेंड करेंगे. इसके अलावा उनकी मीटिंग्स चाइनीज लीडिंग एंटरप्राइजेस के जो लीडरशिप है उनके साथ अरेंज की जा रही है ताकि इस प्रोजेक्ट इस विजिट को से बेहतरीन नतायज हासिल किए जाए. मैं एक और चीज, इस सवाल का जरा जवाब लंबा हो गया बट स्टिल ये बताता चलूं कि
जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एजेंडा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एग्रीकल्चर की कॉपरेशन को और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को हाईलाइट्स रखे जाएं इस विजिट के, ताकि उससे बेहतरीन नतायज हासिल किए जाएं। अभी हमारे पास गुज़िश्ता हफ्ते चाइनीज की जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ग्रुप है वो विजिट किया था, जिसके अंदर उनके चीफ एग्रोनॉमिस्ट और जो कि वाइस मिनिस्टर लेवल हुआ है, और उनकी इंटरेक्शन हुई मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च में, और वहां पर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीकल्चर के सेक्टर में। सो दीज आर दी हाईलाइट जो कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट के होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चले मैं अगला सवाल भी आप ही से पूछूंगा आसान साहब। सी पैक के हवाले से जब से नई हुकूमत बनी है, क्योंकि बात एक ट्रांजिशन टाइम था, पीरियड था, चीजों को अंडरस्टैंड करने में भी वक्त लगा, उसके बाद फिर एक पेज पर आने में भी एक वक्त चाहिए होता है आपको। अब सिचुएशन क्या है सी पैक के ऊपर, क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जोर शोर से जारी हैं, कोई रुकावट तो नहीं है? अक्सर ये कहा जा रहा है, कोई अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद वजीर आजम के दौरे के बाद जो है प्रोजेक्ट जो है वो काम करेंगे, अभी प्रोजेक्ट हॉल्ट पे हैं। सिचुएशन क्लियर क्या है सबसे पहले तो ये बताते हैं, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट आई है उन्होंने आने के बाद सी पैक के बारे में क्लियर कट आपके ही प्रोग्राम में खुसरो बख्तियार साहब ने बताया कि सी पैक के जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को एज अ हाईलाइट आगे लेके जाए। फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी नाउ द फोकस इन दिस फेज अंडर द करंट गवर्नमेंट इज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओवर आर्चिंग किस्म की कॉपरेशन हो जिसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हो, वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात हो। तो ये करंट गवर्नमेंट का एजेंडा, और इस बात किसी प्रोजेक्ट के अंदर की रफ्तार के अंदर कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसका स्कोप को एक्सपेंड किया जा रहा है, और पॉवर्टी एलिविएशन और लोगों की अपलिफ्ट की तरफ थ्रू सी पैक ध्यान दिया जा रहा है। सो आई थिंक यही एजेंडा है, जैसे मैंने पहले भी कहा विजिट का भी यही एजेंडा है, सी पैक का भी नेक्स्ट लेवल। जिस तरह और मैं अक्सर अपनी प्राइवेट डिस्कशन में ये बात कर सकूं कि करंट गवर्नमेंट और जो चाइनीज गवर्नमेंट, उनमें बहुत सारी सिनर्जीज हैं, जिस तरह पॉवर्टी एलिविएशन, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ये सब तमाम चीजें प्रेजेंट शी जिनपिंग की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, जो विजन है, उसके अंदर भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन में। तो इस सिनर्जी को मजीद कंसोलिडेट करने के लिए विजिट इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस विजिट के बाद जो है इसके स्कोप की एक्सपेंशन में वाजे तौर पर नजर आएगी। ठीक है सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू वट इज योर आइडिया फॉर द पाकिस्तान लोकल बिजनेस मैन। You know I know you living in China many years. You know that China have a 1.5 billion public. We have a huge market. चूंकि आपने चाइना में बहुत ऐसा क्याम किया है और चाइना की आबादी 1.5 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी तजारती मंडी है, और ये पाकिस्तान के मकामी ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, और ये बरामदात की बहुत बड़ी एक्सपो है। आप पाकिस्तानी ताजरों को इस हवाले से क्या तजवीज करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है और कितना फोकस है इसके लिए। तो मैं आपको ये बताते चलूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इस विजिट को प्लान कर रहा है, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के विजिट को बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सब मिलकर इस विजिट के बेहतरीन नतायज की तरफ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे MOUs, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन जो आपका सवाल है इम्पोर्ट एक्सपो के बारे में, उसके लिए भी ये वर्किंग ग्रुप ने एक मुकम्मल प्लान बनाया है, उसके अंदर आइडेंटिफाई किया है कि वो लीडिंग जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, जो प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ एक डिस्कशन सेशन करने के बाद एक प्लान पूरा बनाया जा रहा है, और तकरीबन मेरा जहां तक अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कम अज कम 75 बिजनेसमैन
शायद इस विजिट में साथ होंगे कम अज कम 75 बिजनेसमैन बिसाइड्स दोज जो कि हमारा जो पाकिस्तान पवेलियन है उसके अंदर मेजर शो केसिंग करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 5 की शाम को इंशाल्लाह वहां पर एक बी टू बी इंटरेक्शन भी अरेंज किया जा रहा है जिसके अंदर चाइनीज इम्पोर्टर और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का इंटरेक्शन कराया जाए और इससे बेहतरीन नतीजे जा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी डॉक्टर उकाब मलिक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, सी पैक के हवाले से यह बिजनेस क्या फॉर्मुलेशन हो सकती है? अहसान साहब ने काफी तफसीलन बात की है, पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप है सी पैक परस्पेक्टिव में अगर आप देख लें, BRI परस्पेक्टिव में इसको देख लें और ये बाकी जो दुनिया के मामलात हैं उसको टैकल करने के हवाले से देख लें, आगे नियर फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, मिड टर्म फ्यूचर क्या नजर आ रहा है और कितने मजबूत होने जा रहे हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ये तो बड़ा सवाल है आपका। असल में सी पैक क्या एसेंशियल जरूरत है पाकिस्तान में, दैट वी नीड सी पैक, विदाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, Pakistan doesn't really have a future without CPEC. Mm. So for Pakistan, this is a decision that is of necessity. Is beghair Pakistan aage nahi ja sakta. Ye daud sahab ko malum hoga har ek cheez, choti cheez par keh sakte hain jodi kya hoga, ye kya hai, ho raha hai, ye director's operation ka inka kaam hai. Lekin main bari soch dekhta hoon, jab piche ho ke दुनिया देख रहा हूँ जो है क्या हो रहा है आगे फ्यूचर में क्या होगा पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, अभी पूरी दुनिया का पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, इट्स बीन 26 साल और इन शुरू हो गए हैं, ये रुक नहीं जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू एज बिजनेस इनफ्लो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू आउट पूरे एशिया में होगा एंड दे विल अपलिफ्ट द होल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट विच इज बीन सब्ड्यूड ओवर मेनी ईयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म बिफोर हैंड सेंचुरीज ऑफ दिस एंड वी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट, जो गुलाम रखा होगा ना, नाउ वी कमिंग आउट ऑफ दिस कॉलोनियल पीरियड एंड वी आर फ्लरिशिंग इन आवर ओन राइट एंड दैट वी डिमांड पोलिटिकल एक्सेप्टेंस एंड इक्वालिटी as countries, China and Pakistan does in the world. It's not just based on our military strength, it's based on our sense of moral duty towards the world. And we need to uplift this world. And this is what BRI offers, Belt and Road Initiative offers, a connectivity unknown in history between all countries in Asia and Europe, and further afield in Africa, and if the Americans accept, in the Americas as well. And this is the idea of bringing the world together. Dunya ek dunya ban jaye. Ye BRI project jo hai, ye shuru abhi shuru hua. But this is just a start of something much bigger. But the problem with this is the challenges are that mara human insaan ka nature aisa hai jo distrust karta hai. Ki kisi bande ka par itbar nahi karte. So trust building ke liye aur confidence building ke liye bada काम करना पड़ना होगा। ठीक, एक दरमियान में जब मेहरबानी करें मेरे उर्दू इतनी अच्छी नहीं, इस दरमियान में काफी मिसाइल आ रहे हैं और प्रोपेगेंडा नेगेटिविटी मकसद जो ओबोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक को खराब करने के लिए छोटे मिसाल के लिए आपने छोटे इंटरेस्ट के लिए हर एक मुल्क जो काट रहे हैं for their small interest and short-term interest, they're trying to defeat the long-term vision that we have as being part of the global communication to bring it together and connect the world over in the future, in many, maybe years or decades, even a century, to have a global one human race together without barriers. And this is what my vision of this Belt and Road Initiative is, that this can bring this together for everybody. But we will have obstacles. दरमियान में जो है हर एक हसद काफी है, मेरे नहीं मिल रहे थे इसको क्यों होगा, क्यों हो जाए, वेल दे कैन ज्वाइन इन, कौन कह रहे जिन साथ नहीं हो सकता था, दे कैन ज्वाइन इन एंड फ्लरिश टूगेदर एंड दिस इज अ विजन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड वी मस्ट एक्सपेंड ऑन द आइडिया दैट वी नीड टू ब्रिंग एवरीबॉडी इन टू दिस टू वर्क टूगेदर एज अ ग्लोबल कम्युनिटी
and help develop. We know that because of climate change problems, what is going to happen? We're going to destroy everything for everybody. Jo America ka kharab hoga, hamara bhi kharab hoga. Jo China ka kharab hoga, America ka bhi kharab hoga. We got to stop this and start working together instantly. The Belt and Road Initiative is climate change. मैं जानती हूँ कि आप बहुत सालों से यूरोप में मुकीम हैं और आपने कई मरतबा चीन का भी दौरा किया है. आप यूरोप और चाइना की तरक्की का मुवासना किस तरह करेंगे? यूरोप has fallen behind. China is rapidly moving forward technically, in advanced technologies, in patents. It's leading. आप कह रहे हैं यूरोप पीछे रह गया और चाइना आगे जा रहा है. बस जा रहे हैं ना, बहुत आगे जा रहे हैं. एक स्टडी थी 2015 में और 16 में ऑन नंबर ऑफ पेटेंट्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज. तो नंबर वन प्लेस बियॉन्ड MIT हार्वर्ड से आगे और ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज से आगे चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज नंबर वन प्लेस था इन नंबर ऑफ डिस्कवरीज एंड पेटेंट्स ऑफर्ड इन साइंटिफिक एनवायरमेंट. मकसद एक इंस्टीट्यूशन ठीक है लेकिन आ रहे हैं वो टाइम निकल गया जो गांव की सोच है. हमारी भी गांव की सोच खत्म करनी पड़नी होगी. आगे देखना पड़ना जब मुल्क हमारा मुल्क आगे लीडरशिप बन जाए दुनिया का. लेकिन ये हमारे गांव की सोच जो है छोटी छोटी सोच अंगल धारने के लिए ये तो खत्म करना पड़े. अपने नस निकालने पड़ने हर एक जो सोच हमारी जरे खराब सोच है जरे नहीं होगा ये खत्म करो. तो ज्वाइन हैंड्स टुगेदर दोनों साथी मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग और हिंदू लोग और एथियस्ट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड वन ग्लोबल फ्यूचर एंड BRI ऑफर्स दिस इफ यू एक्सेप्ट इट. देयर आर कंसर्न्स इन द वेस्ट बिकॉज इट्स अबाउट द ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग. जो इसको होगा मेरा नहीं होगा, मेरा होगा तो इसको नहीं होगा तो मैं ऊंचे हो जाऊंगा. एक सोच खत्म करनी. अब कह रहे हैं आई बी माई सेल्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको खत्म करने की जरूरत है. हसान साहब मैं दोबारा आपको इन्वॉल्व करूंगा. IMF की तरफ यकीन बात हो रही है कि हम जा रहे हैं. असद उमर साहब भी गए, डिस्कशन हुई, फिर एक कोई खबर ये भी आ रही है कि शायद हम ना जाएं. मामला जो है इसमें, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बातें हो रही हैं, अभी अमरीका की तरफ से भी एक बयान आया कि ये जो रीपेमेंट्स हैं CPAC प्रोजेक्ट्स की, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या फाइनेंसिंग है, उसके रीपेमेंट की वजह से इतने ज्यादा पैसे हमें उठाने पड़ रहे हैं. 10-12 बिलियन अरब डॉलर की जो बात, बिलियन डॉलर की जो बात हो रही है, इज इट सो? ऐसा ही है क्या? हम फॉरेन प्रोजेक्ट लगने की या प्रोजेक्ट अभी उस स्टेज पे है कि कंप्लीशन स्टेज के ऊपर है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, क्या ऐसा ही है कि अभी से उसकी पेमेंट स्टार्ट हो गई है? ये फिगर जो कोट की जा रही है वेस्ट की जानेब से या कुछ हमारे अपने हल्के हैं या हमारे कुछ अपने मीडिया सर्कल्स हैं उनकी तरफ से, ये ठीक है, करेक्ट है? बीइंग डायरेक्टर ऑपरेशन या डायरेक्टर CPAC आप बताएं. लेकिन मुझे तो नहीं पता कि क्या मुख्तलिफ हल्के हैं. एवरीबॉडी कैन, वो कह रहे हैं कि आप लोन इसलिए ले रहे हैं कि आपने चाइना को पैसे देने. लेकिन मैं आपको रीपेमेंट ऑफ लोन सिचुएशन इसकी बता देता हूँ, क्योंकि मैं ना ही मैं एनालिस्ट हूँ काप साहब की तरह जो कि वर्ल्ड अफेयर्स पे अबूर रखते हैं. मैं आपको CPAC के बारे में और उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकता हूँ. और इसके अंदर इस वक्त हमारे पास 22 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंदर इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंट स्टेजेस पे, और जिनकी टोटल लागत 28 बिलियन यूएस डॉलर्स है. इन प्रोजेक्ट्स की जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो इनकी पेमेंट स्ट्रक्चर भी उसी तरह हुआ है. लॉन्ग टर्म है, 25 साल की पेमेंट स्केड्यूल है, और उसके अंदर जिस तरह किसी भी प्रोजेक्ट में होता है, या G2G हो या IPP हो, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ग्रेस पीरियड दिया जाता है. सबसे पहले जो जरूरी चीज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सबको बताया कि 73% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं जो कि IPP मोड में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके अंदर आप के सामने है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, ज्वाइंट वेंचर्स भी हैं. थर के अंदर ज्वाइंट वेंचर्स हैं, अभी थर ब्लॉक वन के अंदर भी शंघाई इलेक्ट्रिक इज इन्वेस्टिंग, ऑल्सो थर ब्लॉक टू के अंदर एंग्रो है. सो ये ओवरऑल इसका जो एनर्जी का पोर्टफोलियो है वो 73% के करीब इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है. जो बाकी जो G2G हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, जिनको
लोन कहा जा सकता है वो तकरीबन 6 बिलियन के करीब है जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स अभी तक इम्प्लीमेंट हुए हैं वो तकरीबन 3 बिलियन रीपेमेंट कब शुरू होंगे ये रीपेमेंट तकरीबन जो अर्लीस्ट रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट की वो 2021 में शुरू 2021 में शुरू 2021 ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो अभी लोन की बात हो रही है ये करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बात हो रही है बाकी हो रही है ये कोई चाइना को रीपेमेंट के लोन के हवाले से या रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात नहीं हो रही है कंटिन्यू कीजिएगा तो ओवरऑल जिस तरह स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर इनकी फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जा रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उनकी जो पेमेंट का है वो तकरीबन 3 बिलियन US डॉलर का बनता है अभी इस वक्त नेचुरली विद पैसेज ऑफ टाइम जो नेक्स्ट ईयर हमारे जो रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं नेक्स्ट ईयर के एंड तक वो दोनों कम्प्लीट हो जाएंगे KKHP और मोटरवे इंशाल्लाह वो भी कम्प्लीट हो जाएगा गवादर का ऑल्दो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मतलब ऑल्दो मैं इस पर कहना चाह रहा था कि ये बात शायद अभी इस प्रोग्राम के हवाले से नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी आपका सीपैक टाइम है तो मैं एक और चीज बताता चलूं कि इस साल इंशाल्लाह बिफोर दिसंबर JCC जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर उसके साथ साथ इंशाल्लाह गवादर एयरपोर्ट गवादर का वोकेशन सेंटर और गवादर हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं इसके अलावा गवादर के अंदर जो एनर्जी की क्राइसिस है 300 मेगावाट उसके भी एग्रीमेंट साइनिंग की तरफ हम जा रहे हैं पानी के दो प्रोजेक्ट इस वक्त हो रहे हैं एक प्रोजेक्ट जो COPHCL जो पोर्ट से दे रहे हैं वो है और दूसरा जो है वो FWO बहुत तेजी से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं इस वक्त रिक्वायरमेंट 6 MGD की है इंशाल्लाह बाय 2020 हमारे पास इससे ज्यादा की प्रोजेक्ट इन प्लेस होंगे जो कि कुछ PSGP से हैं कुछ FWO कर रही है इसके अलावा मैंने आपको बताया COPHC करेगा इसके अलावा जो एयरपोर्ट है उसका अपना डीसेलिनेशन प्लांट है तो इंशाल्लाह पानी एनर्जी और जो प्रोजेक्ट है सोशल सेक्टर के जिसमें हॉस्पिटल है ये इस साल के अंत तक और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली कहा है और आपने पढ़ा भी होगा कि लेस डेवलप्ड एरियाज और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है और उधर जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे तरक्की अभी नहीं हुई उनको इस तरक्की के ओवरऑल कैनवस के अंदर लाने की जरूरत ठीक है सर आई वांट टू आस्क यू लास्ट संडे एंड पाकिस्तान हैव वन हाई लेवल टीम विद चाइना आई थिंक इट्स द फेडरल सेक्टर ऑफ द पावर एंड आल्सो एनएचई चेयरमैन ऑफ द एनएचई They visit China. What they are doing? Have a meeting with China about the future in the CPAC. Actually, it's so that whatever the projects are, there is an implementation mechanism. In which the most top JCC is, which the Honorable Minister of Planning chairs, and on the Chinese side, the Vice Chairman NDRC is. उसके नीचे जो जो एरियाज हैं एक्सपेंशन के जो जो एरियाज हैं कॉपरेशन के उनका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होता है जिस तरह एनर्जी का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है गवादर का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है प्लानिंग का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है और इस सिलसिले में डिस्कशन हो रही है ताकि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के साथ उसको इन प्लेस किया जाए बिकॉज जो भी मैकेनिज्म है वो लीडरशिप लेवल पे डिसाइड होता है तो इस वक्त वहां पर कल एक्चुअली एनर्जी के और इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये रेगुलर एक हर साल एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस है उनको देखा जाता है और अगले साल के लिए जो प्रोजेक्ट्स होने होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है एक्सपर्ट्स बैठते हैं और नेक्स्ट डे फिर तो सेक्टरी कम्युनिकेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को लीड कर रहे हैं और उनके साथ टीम है जिसमें गवादर के एक्सपर्ट्स भी हैं इसके अलावा एनर्जी की सेक्टरी एनर्जी इस वक्त लीड कर रहे हैं जिसमें PPIB नेप्रा NTDC और गवादर से अगेन क्योंकि गवादर मेन फोकस है डेवलपमेंट का नेक्स्ट फेज में तो वो साथ गए हैं लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जरूरी समझता हूँ कि सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का जो ज्वाइंट वर्किंग डेवलप किया जा रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर को उसके अंदर पॉवर्टी एलिविएशन को उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग हेल्थ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन तमाम एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि जो अवाम है
اور جو لوکل ہیں اور ایسے ایریاز جو کہ اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں کیے ان کی ترقی کی طرف خاص فوکس کیا جا سکے نیکسٹ فیز کے اندر. ٹھیک. ڈاکٹر عقاب ملک صاحب, میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. یو ایس کی پالیسی سب کے سامنے ہے, جس طرح سے یو ایس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک تو کنٹین کیا جائے دوسرے ممالک کو, ایون اتحادی جو ہیں جیسے کینیڈا اور باقی ممالک ان کو بھی کافی اس حوالے سے, اور یورپ کو خاص طور پہ تحفظات ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی ٹورڈز ایران اور ٹورڈز دا ایلائز, خاص طور پہ چائنا کی جو یو ایس ٹریڈ آپس میں چل رہی ہے, دنیا پہ کس حد تک اثر پڑے گا, اور خاص طور پہ جو جس گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں یا سوشل اپلفٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر اکانومی آپ کی ورلڈ اکانومی پروگرس نہیں کرے گی تو آپ کی سوشل اپلفٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی, دیٹ یو ول اگری, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دس از اے کمپلیکس کوسچن. پہلو پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا سا. دو ورلڈ وار ٹو تو بعد, دو 1945 تو بعد جو امریکہ سپر پاور بن گیا تھا, اینڈ کولڈ وار شروع ہو گئی تھی سب یونین کے ساتھ, کافی مثال تھے, اینڈ گلوبل اکانمی تھوڑی سی بڑھ گئی تھی, بٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹک لیڈرشپ آف گلوبل پاور, سپر پاور بننے کے لیے, اینڈ اسپینڈ اے لاٹ آف منی. ناؤ آئی ہیو ٹو لک ایٹ ان اے بیلنس. And you have to recognize that the United States did take responsibility of the global challenge, challenge against from the Soviet Union and communism. But the times have changed now. Maksud hai America abhi soch raha hai jo maine to sab kuch de diya, ab wapas kuch nahi aa raha, and they want a return on all the investment they've had around the world, the security investment, NATO ka اور ورلڈ بینک سب کچھ جو پیسے دے رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. عام بندے کو امریکہ میں سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں کیوں پرواہ کروں جو باہر سے پیسے جا رہے ہیں. سو دیر از اے انٹروسپیکشن ناؤ, جو دنیا سے ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹا دوں, اندر سے تھوڑا سا کام کروں. ان کا اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضرورت ہے. جہاں چائنا کا کام ہو رہا ہے کافی 20 سال ہو گئے, صحیح تیزی کے ساتھ اور ان ریئل اسپیڈ چائنا کا کام کافی ہو رہا ہے, تو امریکہ بھی تھوڑا سا پیچھے رہ رہا ہے اس طرح. تو ان کا اپنا پیسہ ضرورت ہے اپنے کے لیے. سو دی انویسٹمنٹ دے میک ان اراؤنڈ دی ورلڈ ود الائز اینڈ فرینڈز, یورپ کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, ساؤتھ کوریا کے ساتھ, دوسرے ملکوں کے ساتھ, دے پلنگ بیک because they have to concentrate on themselves. So there is a balancing act. It looks like a trade war, but it is a short-term effect to balance off economic needs in America as well. ان کی اپنی سوچ بھی ہے نا, تو یہ بیلنس کر کے سوچ دیکھنا پڑنا. However, اتنا جلدی ختم کرنے کے لیے جو اکنامک سسٹم, یہ تو دنیا کے لیے نہیں اچھا ہوگا. It's going to cause a lot of problems. And there could be economic repercussions, maksud fallouts, and slow down in economic growth because of tariffs, especially the trade war with China. Chale, aapne bada extensively isko bataya ki counterproductive hoga jo America ke jo initiative liya ja raha hai. Dr. Uqab Malik sahab, Hasan Daud Bhatt sahab, aap dono mehmanon ka bahut bahut shukriya CPAC time mein aapne badi valuable contribution di. Nazreen, CPAC time se itna hi. Aafir Rehman Waadu ki dijiye ijazat. Allah ne kabaal.